वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा नौश की पहुंच चुके हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ पूरा दिन फौजी जवानों के साथ गुजारेंगे। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों से भी आगाह किया जाएगा। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा नौश की पहुंच चुके हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ पूरा दिन फौजी जवानों के साथ गुजारेंगे। साथ ही साथ आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफ किया जाएगा और आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों से भी आगाह किया जाएगा। अहम खबर, शुगर स्कैंडल में खसूसी अदालत से शहबाज शरीफ को तलबी का नोटिस जारी हुआ है। FIA टीम ने शहबाज शरीफ की रिहायशगाह पर नोटिस मौसूल करवा दिया। कोरोना के बायस शहबाज शरीफ की अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज। अदालत ने 10 फरवरी को शहबाज शरीफ को अदालत में पेश होने का समन जारी कर दिया था। तो शुगर स्कैंडल में खसूसी अदालत से शहबाज शरीफ को तलबी का नोटिस जारी हुआ है। FIA टीम ने शहबाज शरीफ की रिहायशगाह पर नोटिस मौसूल करवा दिया। राहिल सैयद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, क्या डिटेल्स हैं? शहबाज शरीफ को FIA शुगर स्कैंडल में खुफिया अदालत की जानिब से जो है वो तलबी का नोटिस जो है वो जारी किया गया और FIA की टीम ने शहबाज शरीफ को उनकी रिहायशगाह पर नोटिस जो है वो मौसूल करवा दी है। कोरोना के बाद शहबाज शरीफ की अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त जो है वो खारिज कर दी गई थी, जिस पर अदालत ने 10 फरवरी को शहबाज शरीफ को कमरा अदालत में पेश होने का समन जो है वो जारी कर दिया है। FIA की जानब से अंतरिम पेशी में मुलिम शहबाज शरीफ को 4,500 सफात पर मुश्तमिल चालान की कॉपियां जो है वो भी दी जाएंगी और इसके हवाले से जो है FIA की खुसूसी टीम ने आज जाकर जो है वो शहबाज शरीफ की रिहायशगाह पर जो है उन्हें समन का जो नोटिस है वो मौसूल करवा दिया, ताकि 10 फरवरी को उनकी अदालत में तलबी को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका राहिल। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। सेनेट में वुजरा की अदम मौजूदगी पर ऑपोजिशन ने एहतजाज और वॉकआउट किया, जिस पर कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये कभी ऐवान से तो कभी मुल्क से भागते हैं, इन्हें भागने के सिवा कोई सियासत नहीं आती। आज इन्हें ऐवान में फिर शिकस्त हुई। आजकल ख्वाबों की सियासत शुरू हो चुकी है, सबको पता है खाने के लिए ये सब इकट्ठे होते हैं। ख्वाए भागने के अंगे कोई नहीं, कोरम और उसके बाद भागो भागो और जाओ बार बैठ के धूप फेंको। ये इनका सीरियसनेस, अभी बार बैठ के धूप फेंकेंगे। ये ऐवान से भागते हैं, अवाम से भागते हैं, मुल्क से भागते हैं। कोरम पॉइंट आउट हो गया, बिल बचाए, काउंट करें प्लीज। हाउस शुरू होता है, अभी मेहमान आ रहे होते हैं तो आपको भागने की जल्दी या बाहर धूप फेंकने की जल्दी, आप खड़े होते हैं जैसे स्कूल के बच्चों को छुट्टी की जल्दी होती है, आप खड़े होते हैं और कोरम पॉइंट आउट कर देते हैं। आज इन्होंने देखा कि इनकी इस कोशिश के बावजूद, आज मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने तमाम अराकीन का और अपने तमाम एलाइज का, एक मर्तबा फिर उन्होंने इनको इस फ्लोर के ऊपर शिकस्त दी है। ये शिकस्तों के आदि हो गए हैं, बिल आता है तो इनको शिकस्त होती है, कोरम पॉइंट आउट करते हैं तो उनको शिकस्त होती है, अदम एतमाद की बात करते हैं तो उनको शिकस्त होती है, जलसों में जाते हैं तो वहां वीरानी होती है। आजकल आपने देखा ख्वाबों की सियासत शुरू होगी, और ये तो हमें पहले से पता है कि खाने के लिए तो ये हमेशा इकट्ठे होते हैं, हमेशा खाने के लिए इकट्ठे होते हैं, और ये तो अब एक रिवायत बन चुकी है। ऊपर ऊपर से ये खेलते हैं मगर खाने के लिए इकट्ठे होते हैं। वेलकम बैक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई है। इस वक्त मौसम की सूरत हाल क्या है, ये जानते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे अली महदी से। जी बिल्कुल, आज सुबह से ही शहर का मौसम खुशगवार था, हल्की पुल्की फुहार का सिलसिला जारी था, लेकिन इस वक्त जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से जिस तरह से शहर में पेशन गोई की गई थी, सुबह से ही शहर का मौसम जो है अबर आलूद था, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि नॉर्थ नाजाबाद और दीगर इलाकों में जो है हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। शहरी इसको भरपूर अंदाज में जो है लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। आप अगर देख सकते हैं कि इस वक्त हम जिस पार्क के मौजूद हैं, यहाँ पे जो ग्रीनरी है और जो बरसात के बाद जो मंज़र है बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे 30 से ज़ायद जो है इस पार्क में फूलों की नुमाइश रखी गई है, और तकरीबन 25 से 30 साल के बाद कराची में गुलाब के फूलों की इतनी बड़ी नुमाइश का एहतमाम किया गया है। 30 से ज़ायद गुलाब की इकसाम रखी गई हैं, जिससे शहरी जो है यहाँ पर महजूज हो सकेंगे। यहाँ पर हम देखें तो शहरीों की इस वक्त तक आमद का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जब नुमाइश का आगाज़ होगा तो शहरियों की बड़ी तादाद में इस पार्क में फूलों की नुमाइश में शिरकत के हवाले से आमद मुतवक्को है। जी।